जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, पहले एक एक जज से माफी मांगो। तिहाड़ जेल भेजे गए वकील को सुप्रीम कोर्ट ने दिया मौका। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील को उन न्यायाधीशों से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है जिन्हें उसने निशाना बनाया था। इस वकील को दिल्ली हाईकोर्ट एवं राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों के कई न्यायाधीशों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण, अवांछित एवं बेबुनियाद टिप्पणियां करने को लेकर के आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था और 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को इस वकील को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और 6 माह कैद की सजा सुनाई थी एवं 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दोस्तों वहीं आपको बता दें, उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित वकील को हिरासत में लिया जाए और उसे तिहाड़ जेल अध्यक्ष को सौंप दिया जाए। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ ने इस वकील की याचिका पर सुनवाई की। ये याचिका इस पीठ के सामने मेंशन की गई थी। बता दें, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि वकील ने एक याचिका में जो अवमाननापूर्ण आरोप लगाए थे उसे लेकर उसने उच्च न्यायालय ने आरोपी वकील को माफी मांगने का एक अवसर दिया था, लेकिन वकील ने कहा कि उसने जो भी आरोप लगाए थे वे उन पर वह कायम है। आरोपी वकील का पक्ष रखते हुए एक वकील ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि याचिकाकर्ता माफी मांगने को तैयार है। पीठ ने कहा है, हम याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करें, उससे पहले हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता यदि इतना ही इच्छुक है जो उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के उन न्यायाधीशों के सामने बिना शर्त माफी वाला हलफनामा दे जिनके खिलाफ उसने आरोप लगाए थे। पीठ ने आगे कहा, पुलिस प्रशासन याचिकाकर्ता को उन एक एक न्यायाधीश के सामने पेश करने का इंतजाम करेगा जिनके सामने माफीनामा दिया जाना है। बता दें, उच्चतम न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी के लिए तय की है। इस वकील ने जुलाई 2022 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के सामने अर्जी दाखिल की थी और उसमें उसने कई न्यायाधीशों पर मनमाने एवं पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया था। उसने अपनी याचिका में न्यायाधीशों के नाम भी लिए थे। हिंदुस्तान की रिपोर्ट।